खबर पटना से। तेजस्वी के बंगला छोड़ने पर सियासी बवाल मचा है। सम्राट चौधरी के निजी सहायक का गंभीर आरोप सामने आया है। महंगे सामान उखाड़ ले गए तेजस्वी, ये आरोप उनकी ओर से लगाया गया। हाइड्रोलिक बेड के साथ साथ एसी भी गायब है, जिम के सामान भी गायब करने का ये आरोप लगाया गया है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बंगला छोड़ने पर सियासी बवाल खड़ा हुआ है। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार यानी 6 अक्टूबर को 5 देशरत्न मार्ग स्थित उप मुख्यमंत्री का बंगला खाली कर दिया, जिसके बाद अब नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। तेजस्वी यादव के बंगला खाली करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निजी सहायक ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। निजी सहायक का आरोप है तेजस्वी यादव ने जरूर बंगला खाली किया है, लेकिन कई सामान भी अपने साथ ले गए, कीमती सामान भी वो अपने साथ ले गए हैं। सम्राट चौधरी के निजी सहायक ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया, तेजस्वी यादव अपने साथ नए सोफे लेते गए और टूटे सोफे ला करके रख दिए हैं। इसके साथ ही बंगले की एसी भी ले गए हैं, कबाड़ से ला करके पुराने एसी को बाहर फेंका गया है। इसके साथ ही बीजेपी और सम्राट चौधरी के निजी सहायक का आरोप है कि बंगले से हाइड्रोलिक बेड भी गायब है, ड्रेसिंग टेबल का महंगा शीशा गायब है। इसके साथ ही बाथरूम तोड़ दिया गया है और टोटी उखाड़ ली गई है, और यही नहीं जिम का सामान भी ले जाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। साथ ही बैडमिंटन कोर्ट के कारपेट को भी उखाड़ लिया गया है, फाउंटेन के लाइट्स को भी उखाड़ा गया, सरकारी संपत्ति की लूट की गई। गौरतलब है कि पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जिस बंगले में रह रहे थे वह बंगला अब उप मुख्यमंत्री के नाते सम्राट चौधरी को आवंटित किया गया है। जानकारी के मुताबिक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दशहरा बाद उस बंगले में शिफ्ट हो सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के नाम से आवंटित मकान इतने लंबे अरसे के बाद उसको खाली किया जाना ही यह घोर चिंता का विषय है, और जो जिस ढंग के आरोप लग रहे हैं जिनको मकान आवंटित हुआ उनके कर्मी आरोप लगा रहे हैं कि माननीय तेजस्वी यादव के जो भी उनके अधीनस्थ काम करने वाले हैं उन लोगों ने पुराना एसी लगा दिया, नया एसी खोल करके सोफा बदल लिया, ये कैसा राजनीति का संस्कार है? और वो सरकार की संपत्ति है, जनता की गाड़ी कमाई उसमें खर्च होती है, तो हम तो उम्मीद करते हैं कि जिनको भी मकान आवंटित हुआ है माननीय सम्राट चौधरी जी इसको गंभीरता से संज्ञान लीजिए, और अगर यह सच है तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजनीति के गिरते हुए स्तर का ये इससे निकृष्ट उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता। बिहार का एक सरकारी बंगला फिर से आज सुर्खियों में है। बिहार के डिप्टी सीएम को आवंटित 5 देशरत्न मार्ग पर स्थित ये बंगला आखिर क्यों सुर्खियों में, देखिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर ये बंगला जो है सम्राट चौधरी जो वर्तमान में बिहार के डिप्टी सीएम है उनको आवंटित हुआ है भवन निर्माण विभाग की तरफ से, और इस बंगले से कई सामान गायब हैं। यहाँ पर जो है हाइड्रोलिक बेड हुआ करता था वो बेड गायब है, जो टूटी यानी नल जो हुआ करती थी वो गायब है, स्प्लिट एसी हुआ करती थी वो सामान जो है महंगी महंगी गायब है। दानिश इकबाल मीडिया प्रभारी हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ आरोप आप लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है? दानिश, आरोप नहीं हकीकत है, साक्ष्य है, प्रमाण है, आपके सामने है। ये बेडरूम है, बेडरूम के ये वॉल आपको सामने दिख रहे हैं, चार्जिंग पॉइंट दिख रहे हैं, बेड के साइड जो टेबल होते हैं वो दिख रहे हैं, लेकिन बेड का जो बेस होता है वो गायब है। यहाँ के कर्मचारियों ने बताया कि हाइड्रोलिक बेड यहाँ पे लगा हुआ था, वो बेड को यहाँ से ले जाने का काम किया गया है। यहाँ पे सामने वाश बेसिन था, उस वाश बेसिन को आप देखिए, अगर आपके कैमरा मैन दिखा सकते हैं तो देखिए, ये सामने ये वाश बेसिन था, महंगे वाश बेसिन लगे हुए थे, यहाँ के कर्मचारियों ने बताया है इस वाश बेसिन को यहाँ से उखाड़ के ले जाया गया, उसकी जो टोटियाँ होती हैं उसको यहाँ से उखाड़ के ले जाया गया है, एयर कंडीशन थे वहां से एयर कंडीशन को ले जाया गया। यहाँ पे एक बैडमिंटन का कोर्ट बना हुआ था, बैडमिंटन कोर्ट के जो मैट होते हैं जहाँ पे बैडमिंटन खेला जाता है उस मैट को रिमूव कर लिया गया, उखाड़ के ले जाया गया, आज भी वहां पे कॉर टूटे हुए बैडमिंटन आपको दिख जाएंगे। फाउंटेन था, फाउंटेन के लाइट्स को उखाड़ के ले जाया गया है, महंगे सोफे थे उस सोफे को यहां से ले जाने का काम किया गया है। पूरी तरह से तेजस्वी यादव जी के द्वारा सरकारी आवास खाली करने के समय सरकारी संपत्ति की लूट की गई है, जो बिहार की जनता के सामने आज जाहिर हो गया है। नीचे जो ऑफिस बना हुआ है उस ऑफिस में भी तोड़फोड़, नीचे जो ऑफिस था उस ऑफिस में जो है लोगों के आने की और बैठने की व्यवस्था थी, काफ़ी महंगे सोफे लगे हुए थे, वो सारे सोफे उस बड़े से हॉल से खाली कर दिए गए हैं। यहाँ की कर्मचारी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि किस प्रकार से सरकारी संपत्ति को लूटने का काम किया गया है। सोफे हो, एयर कंडीशन हो, रेफ्रिजरेटर हो, महंगे बेड्स हो, महंगे फाउंटेन्स हो, वाश बेसिन हो, टोटी हो, सबको यहाँ से तेजस्वी यादव जी के द्वारा सरकारी संपत्ति को अपनी संपत्ति समझ करके अपने घर ले जाने का काम किया उन्होंने।
अखिलेश यादव जी की तर्ज पे जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने सरकारी बंगला खाली करते हुए टोटी तक को उखाड़ करके ले गए थे, उसी प्रकार से तेजस्वी यादव जी ने उनके नक्शे कदम पे चलते हुए सारी सरकारी संपत्ति को यहां से ले जाने का काम किया है। हम भली भांति इस बात को समझ सकते हैं क्योंकि तेजस्वी यादव जी की जो परवरिश हुई है जिस राजनीतिक दल में और जिस परिवार में, उस परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि सरकारी संपत्ति को कैसे लूटा जाए, उसी का मुजाहिरा तेजस्वी यादव ने आज इस पांच रत्न देश से मार्ग के जो आवास है सरकारी आवास, वहां से सरकारी संपत्ति को लूट करके जाहिर किया है। जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को यह बंगला आवंटित हुआ था, क्या भवन निर्माण विभाग की तरफ से लिस्ट दिया गया? भवन निर्माण के अधिकारी और कर्मचारी ने सारी सूची दे दी है और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि जो सरकार के द्वारा संपत्ति यहाँ पे लगाए गए थे वो सारे संपत्तियों को यहाँ से जो गायब दिख रहे हैं वो उखाड़ के ले जाए गए हैं। सीधे तौर पर एक बार और हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से ये लाइटें जो है, जो सीलिंग में अमूमन लगाई जाती हैं, वो लाइटों को गायब कर दिया गया है। देखिए किस तरीके से सिर्फ तारे आपको नजर आ रही हैं और जिस जगह पर इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर जो है हाइड्रोलिक बेड हुआ करता था, लाखों की जो है कीमत से उस बेड को लगाया गया था, वो बेड भी यहाँ गायब है और सीधे तौर पर आरोप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर लगाया जा रहा है। चूंकि इस आवास में जब बिहार के डिप्टी सीएम हुआ करते थे तेजस्वी यादव तो वो रहते थे और भवन निर्माण विभाग ने जो लिस्ट दिया था उस लिस्ट में जो सामानें थी वो यहां से गायब नजर आ रही हैं। बहरहाल ये जांच का विषय है कि आखिर इन सामानों को कौन लेकर चला गया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रोहित वर्मा, न्यूज नेशन, पटना। बड़ी खबर पटना से। तेजस्वी के बंगला छोड़ने पर सियासी बवाल मचा है। सम्राट चौधरी के निजी सहायक का गंभीर आरोप सामने आया है, महंगे सामान उखाड़ ले गए तेजस्वी, ये आरोप उनकी ओर से लगाया गया। हाइड्रोलिक बेड के साथ साथ एसी भी गायब है, जिम के सामान भी गायब करने का ये आरोप लगाया गया है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बंगला छोड़ने पर सियासी बवाल खड़ा हुआ है। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार यानी 6 अक्टूबर को 5 देशरत्न मार्ग स्थित उप मुख्यमंत्री का बंगला खाली कर दिया, जिसके बाद अब नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। तेजस्वी यादव के बंगला खाली करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निजी सहायक ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। निजी सहायक का आरोप है तेजस्वी यादव ने जरूर बंगला खाली किया है लेकिन कई सामान भी अपने साथ ले गए, कीमती सामान भी वो अपने साथ ले गए हैं। सम्राट चौधरी के निजी सहायक ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया, तेजस्वी यादव अपने साथ नए सोफे लेते गए और टूटे सोफे ला करके रख दिए हैं। इसके साथ ही बंगले की एसी भी ले गए हैं, कबाड़ से ला करके पुराने एसी को बाहर फेंका गया है। इसके साथ ही बीजेपी और सम्राट चौधरी के निजी सहायक का आरोप है कि बंगले से हाइड्रोलिक बेड भी गायब है, ड्रेसिंग टेबल का महंगा शीशा गायब है। इसके साथ ही बाथरूम तोड़ दिया गया है और टोटी उखाड़ ली गई है और यही नहीं जिम का सामान भी ले जाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। साथ ही बैडमिंटन कोर्ट के कारपेट को भी उखाड़ लिया गया है, फाउंटेन के लाइट्स को भी उखाड़ा गया, सरकारी संपत्ति की लूट की गई। गौरतलब है कि पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जिस बंगले में रह रहे थे वह बंगला अब उप मुख्यमंत्री के नाते सम्राट चौधरी को आवंटित किया गया है। जानकारी के मुताबिक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दशहरा बाद उस बंगले में शिफ्ट हो सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के नाम से आवंटित मकान इतने लंबे अरसे के बाद उसको खाली किया जाना ही यह घोर चिंता का विषय है और जो जिस ढंग के आरोप लग रहे हैं जिनको मकान आवंटित हुआ उनके कर्मी आरोप लगा रहे हैं कि माननीय तेजस्वी यादव के जो भी उनके अधीनस्थ काम करने वाले हैं उन लोगों ने पुराना एसी लगा दिया, नया एसी खोल करके सोफा बदल लिया, ये कैसा राजनीति का संस्कार है? और वो सरकार की संपत्ति है, जनता की गाड़ी कमाई उसमें खर्च होती है, तो हम तो उम्मीद करते हैं कि जिनको भी मकान आवंटित हुआ है माननीय सम्राट चौधरी जी इसको गंभीरता से संज्ञान लीजिए और अगर यह सच है तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजनीति के गिरते हुए स्तर का ये इससे निकृष्ट उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता। बिहार का एक सरकारी बंगला फिर से आज सुर्खियों में है। बिहार के डिप्टी सीएम को आवंटित 5 देशरत्न मार्ग पर स्थित ये बंगला आखिर क्यों सुर्खियों में, देखिए हम आपको बताते हैं। यहां पर ये बंगला जो है सम्राट चौधरी जो वर्तमान में बिहार के डिप्टी सीएम है उनको आवंटित हुआ है भवन निर्माण विभाग की तरफ से और इस बंगले से कई सामानें गायब हैं। यहां पर जो है हाइड्रोलिक बेड हुआ करता था वो बेड गायब है, जो टूटी यानी नल जो हुआ करती थी वो गायब है, स्प्लिट एसी हुआ करती थी वो सामानें जो है महंगी गायब है। दानिश इकबाल मीडिया प्रभारी हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ आरोप आप लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है दानिश?
आरोप नहीं हकीकत है, साक्ष्य प्रमाण है, आपके सामने है। ये बेडरूम है, बेडरूम के ये वॉल आपको सामने दिख रहे हैं, चार्जिंग पॉइंट दिख रहे हैं, बेड के साइड जो टेबल होते हैं वो दिख रहे हैं, लेकिन बेड का जो बेस होता है वो गायब है। यहाँ के कर्मचारियों ने बताया कि हाइड्रोलिक बेड यहाँ पे लगा हुआ था, वो बेड को यहाँ से ले जाने का काम किया गया है। यहाँ पे सामने वाश बेसिन था, उस वाश बेसिन को आप देखिए, अगर आपके कैमरा मैन दिखा सकते हैं तो देखिए, ये सामने ये वाश बेसिन था, महंगे वाश बेसिन लगे हुए थे। यहाँ के कर्मचारियों ने बताया है इस वाश बेसिन को यहाँ से उखाड़ के ले जाया गया, उसकी जो टोटियाँ होती हैं उसको यहाँ से उखाड़ के ले जाया गया है। एयर कंडीशन थे, वहाँ से एयर कंडीशन को ले जाया गया। यहाँ पे एक बैडमिंटन का कोर्ट बना हुआ था, बैडमिंटन कोर्ट के जो मैट होते हैं जहाँ पे बैडमिंटन खेला जाता है, उस मैट को रिमूव कर लिया गया, उखाड़ के ले जाया गया। आज भी वहाँ पे कॉर्क टूटे हुए बैडमिंटन आपको दिख जाएंगे। फाउंटेन था, फाउंटेन के लाइट्स को उखाड़ के ले जाया गया। महंगे सोफे थे, उस सोफे को यहाँ से ले जाने का काम किया गया। पूरी तरह से तेजस्वी यादव जी के द्वारा सरकारी आवास खाली करने के समय सरकारी संपत्ति की लूट की गई है, जो बिहार की जनता के सामने आज जाहिर हो गया है। नीचे जो ऑफिस बना हुआ है उस ऑफिस में भी तोड़फोड़। नीचे जो ऑफिस था उस ऑफिस में जो है लोगों के आने की और बैठने की व्यवस्था थी, काफ़ी महंगे सोफे लगे हुए थे, वो सारे सोफे उस बड़े से हॉल से खाली कर दिए गए हैं। यहाँ की कर्मचारी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि किस प्रकार से सरकारी संपत्ति को लूटने का काम किया गया है। सोफे हो, एयर कंडीशन हो, रेफ्रिजरेटर हो, महंगे बेड्स हो, महंगे फाउंटेन्स हो, वाश बेसिन हो, टोटी हो, सबको यहाँ से तेजस्वी यादव जी के द्वारा सरकारी संपत्ति को अपनी संपत्ति समझ करके अपने घर ले जाने का काम किया। उन्होंने अखिलेश यादव जी के तर्ज पे जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने सरकारी बंगला खाली करते हुए टोटी तक को उखाड़ करके ले गए थे, उसी प्रकार से तेजस्वी यादव जी ने उनके नक्शे कदम पे चलते हुए सारी सरकारी संपत्ति को यहाँ से ले जाने का काम किया है। हम भली भांति इस बात को समझ सकते हैं क्योंकि तेजस्वी यादव जी की जो परवरिश हुई है जिस राजनीतिक दल में और जिस परिवार में, उस परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि सरकारी संपत्ति को कैसे लूटा जाए, उसी का मुजाहिरा तेजस्वी यादव ने आज इस पांच रत्न देश से मार्ग के जो आवास है सरकारी आवास, वहां से सरकारी संपत्ति को लूट करके जाहिर किया है। जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को यह बंगला आवंटित हुआ था, क्या भवन निर्माण विभाग की तरफ से लिस्ट दिया गया? भवन निर्माण के अधिकारी और कर्मचारी ने सारी सूची दे दी है और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि जो सरकार के द्वारा संपत्ति यहाँ पे लगाए गए थे वो सारे संपत्ति को यहाँ से जो गायब दिख रहे हैं वो उखाड़ के ले जाए गए हैं। सीधे तौर पर एक बार और हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से ये लाइटें जो है, जो सीलिंग में अमूमन लगाई जाती हैं, वो लाइटों को गायब कर दिया गया है। देखिए किस तरीके से सिर्फ तारे आपको नजर आ रही हैं और जिस जगह पर इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर जो है हाइड्रोलिक बेड हुआ करता था, लाखों की जो है कीमत से उस बेड को लगाया गया था, वो बेड भी यहाँ से गायब है और सीधे तौर पर आरोप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर लगाया जा रहा है। चूंकि इस आवास में जब बिहार के डिप्टी सीएम हुआ करते थे तेजस्वी यादव तो वो रहते थे और भवन निर्माण विभाग ने जो लिस्ट दिया था उस लिस्ट में जो सामानें थी वो यहां से गायब नजर आ रही हैं। बहरहाल ये जांच का विषय है कि आखिर इन सामानों को कौन लेकर चला गया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रोहित वर्मा।